हाँ बोलिए बापूजी। जेठिया सरप्राइज क्या है? बापूजी सॉरी मैं नहीं बता सकता। चलना भी बताना भाई। बापूजी संक्रांत की सरप्राइज इतनी जबरदस्त है कि आप अपनी आंखों से देखेंगे तो खुश हम खुश हो जाएंगे। मैं अभी आपको बता दूंगा तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। मतलब तू नहीं बताए? नहीं बापूजी। चल। सेठ जी हम ये क्या सुन रहे हैं? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मॉर्निंग जोक सर। सेठ जी नटू काका ने अभी कहा सेठ जी हम ये क्या सुन रहे हैं, वो आप फोन पे बात कर रहे थे ना वो सुन के कहा। सेठ जी संक्रांत पे आप गोकुलधाम सोसाइटी वालों को क्या सरप्राइज देने वाले हैं? अच्छा मतलब आप लोगों का ध्यान काम छोड़ के फोन पे मैं किससे क्या बातें कर रहा हूँ उस पे होता है? क्या करे सेठ जी बड़े सयाने कह के गए हैं ना, इंसान अपनी आंखें बंद रख सकता है कान नहीं, इसलिए न चाहते हुए भी हमें ये सब कुछ सुनना पड़ता है। बताइए ना सेठ जी आप क्या सरप्राइज देने वाले हैं? क्या नटू काका आप इतने सयाने होके ऐसी फालतू बात कर रहे हैं? अरे सरप्राइज तो सीक्रेट ही होता है ना, बता दिया तो फिर सरप्राइज कैसा? बागा सेठ जी हैज गॉट ए पॉइंट। लेकिन सेठ जी हम तो आपके एकदम विश्वासु लोग हैं। बागा हैज आल्सो गॉट ए पॉइंट। अरे अभी बापू जी का फोन था मैंने उनको नहीं बताया। ओ बागा नो चांस। ठीक है मत बताइए, लेकिन वो बता दूं क्या कि आप संक्रांत में गांव जा रहे हैं? हाँ वो बता दे, इसमें सेठ जी से क्या छिपाना। इनफैक्ट सेठ जी को पता है, उन्होंने ही मुझे परमिशन दी है। अच्छा हाँ। तो सेठ जी नटू काका तो मकर संक्रांति में गांव जा रहे हैं, मैं और बावरी जी यही हैं, तो आपकी सरप्राइज में आपको मुझे और बावरी जी को तो शामिल करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ भाई ठीक है। अरे भाई अभी धंधे पे ध्यान दो, मैंने तुझे वो संक्रांत पे कोई बढ़िया सी स्कीम सोचने को कहा था वो सोची? सोची है ना सेठ जी, और ऐसी सोची है कि आप एकदम खुशम खुश हो जाएंगे। अच्छा हाँ एक मिनट, ये देखिए सेठ जी। ये क्या है? सेठ जी बड़े सयाने छोटे सयाने और नॉन सयाने सब लोग इसे पतंगी कहते हैं। ओ डेढ़ सयाने वो तो मुझे भी पता है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि पतंग के ऊपर हमारी दुकान का नाम और एड्रेस को छपवाया है। लेट मी एक्सप्लेन बागा एक्सप्लेन। जी नटू काका, सेठ जी ये हमारी गडा इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रचार करने का एकदम नया तरीका है। सेठ जी ये पतंग कट कर जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ हमारी गडा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम पहुँचेगा। हमने ऐसे बहुत सारे पतंग छपवाए हैं सेठ जी, जो भी कस्टमर हमारी दुकान से खरीदी करेगा उसे हम पतंग फ्री में देंगे। मकर संक्रांति के दिन वो पतंग उड़ाएगा और हमारी गडा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम घर घर मोहल्ले मोहल्ले गली गली तक पहुंचेगा सेठ जी। नहीं अच्छी अच्छी स्कीम सोची है तूने। नहीं नहीं सेठ जी सिर्फ मैंने नहीं हम दोनों ने। ओहो के भाई भले तुम दोनों ने बहुत अच्छी स्कीम सोची है। थैंक यू। अरे बबीता जी का फोन। चलो चलो अभी भाई खड़े क्या हो, धंधे में ध्यान दो। चलो चलो काम करो काम करो। जी जी सेठ जी। बोलिए बोलिए बबीता जी, कैसे याद किया इस नाचीज को? जेठा जी मैंने आपको ये पूछने के लिए फोन किया जो आप सबके सामने नहीं बता पाए। क्या? वही सरप्राइज वाली बात। अच्छा आप अच्छा वो उसकी बात कर रहे हैं आप? आई नो कि उस वक्त यू नो सोसाइटी से निकलने के टाइम पे सब लोग वहीं पे खड़े थे तो आप नहीं बता पाए थे। अरे बबीता जी मैं नहीं बता सकता। प्लीज बताइए ना जेठा जी प्लीज। बबीता जी नहीं बताने के पीछे कारण है। क्या कारण है? जब ये सरप्राइज खुलेगा ना तब आपके चेहरे पे जो भाव होंगे ना वो मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है तो मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको अभी वीडियो कॉल करती हूँ, फिर वो जो सरप्राइज वाली बात है वो आप मुझे बता देना, और फिर मेरे चेहरे पे जो आपको भाव देखना है
वो आप देख लेना, है ना? बबीता जी थोड़ा इंतजार कीजिए, धीरज ना फल मीठा। देखिए मेरी बात का यकीन कीजिए, ये सरप्राइज इतना जबरदस्त है कि जब ये आपका सामने खुलेगा ना तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। Well, इतना पूछने पर जब आप नहीं बता रहे तो I'm sure सरप्राइज कुछ खास ही होगा। अरे खासम खास है। Okay, as you wish, I'll wait for the right time. मतलब मैं उस पल का इंतजार करूंगी। हाय मैं मर जाऊं। बबीता जी, बापू जी का दूसरी लाइन पर फोन आ रहा है तो बाद में बात करते हैं, ठीक है? हाँ, ओके ओके, बाय बाय। ओके ओके, सॉरी। हाँ बापू जी। हाँ जेठिया, सुन, तुझसे मिलने के लिए एक खास मेहमान आए हैं। कौन? तू खुद ही बात कर ले। कैसे हो जेठालाल? अरे महेश भाई आप? हाँ। अरे भाई, तुमने सूरत से माजे और पतंग का ऑर्डर दिया था, उसकी डिलीवरी करने तो आना ही पड़ेगा ना। आप बात कर रहे हैं महेश भाई, आप पतंग और मांझा देने के लिए सूरत से मुंबई आए? नहीं नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। दरअसल मैं कुछ काम से मुंबई आ ही रहा था तो सोचा चलो पतंग और मांझा साथ में ही लेके चलता हूँ, इसी बहाने तुमसे मुलाकात हो जाएगी। अरे नहीं, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, आ गए महेश भाई। एक काम कीजिए, आप बापू जी के साथ बातें कीजिए, थोड़ी देर में मैं पहुंचता हूँ, ठीक है? ठीक है ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ। नटू काका, बाघा जी, मैं जरा घर पे जा रहा हूँ। अरे मैं अभी फोन पे बात कर रहा था, आपने सुना नहीं? नहीं। ओहो, ठीक है तो बता देता हूँ, सूरत से महेश भाई वकील आए घर पे, इसलिए घर जा रहा हूँ, ठीक है? तो अभी आज मैं शायद वापस ना भी आऊं तो आप लोग दुकान बढ़ा के निकल जाना, ठीक है? अच्छा जी, ठीक है सेठ जी। लेकिन हाँ सेठ जी, वो आपकी सरप्राइज में मुझे और बावरी जी को शामिल करना भूलिएगा मत। अरे हाँ भाई, नहीं भूलूंगा भाई। हाँ चलो, थैंक यू सेठ जी। पप्पू जेठा अंकल को फोन करके पूछना कि क्या सरप्राइज है। यार गोगी, मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन पापा बता ही नहीं रहे कि सरप्राइज क्या है। बताएंगे टप्पू, बताएंगे, वो शायद सबके सामने ना बता रहे। एक काम करते हैं, हम सीधा दुकान पे धावा बोलते हैं, वहाँ तो बता ही देंगे यार। जी जी, हाँ जी, हाँ हाँ। पापा जेठा अंकल, 25 लोगों के लिए फर्स्ट क्लास एसी बस। हाँ, और सुबह आपको जो टाइम बोला वो टाइम पे आप गोकुलधाम सोसाइटी में लेके आना। हाँ लेकिन देखो कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए भाई। और गोकुलधाम सोसाइटी का एड्रेस मैंने आपको मैसेज कर दिया, मिल गया ना आप? ओके ओके ओके, चलो थैंक यू। हाँ पापा, जेठा अंकल, पापा अंकल। हाँ बोलो बोलो बोलो। अच्छा जेठा अंकल, आप यहीं पे मिल गए, नहीं तो हम आपसे मिलने दुकान ही आ रहे थे। क्यों पापा, हमें आपसे एक जरूरी बात करनी थी। अच्छा क्या? हमने सुना है कि मकर संक्रांति पे आप पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को सरप्राइज देने वाले हो। तो पापा जल्दी से बताइए ना कि सरप्राइज है क्या। बेटा सरप्राइज है, कैसे बता सकता हूँ मैं। अंकल पतंग के मामले में पूरे पाउडर गली में टप्पू सेना की रेपुटेशन है, तो हमें पता होना चाहिए ना कि हम लोग क्या करने वाले है, कैसे करने वाले है। हाँ मकर संक्रांति के लिए तो हम लोग सब कितना प्लान करते हैं। और अंकल मकर संक्रांति में हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। और अंकल टप्पू की पतंग काटने की एवरेज विराट कोहली के बैटिंग एवरेज से भी ज्यादा है। करेक्ट गोली, करेक्ट। और पापा इस एवरेज को मेंटेन करने के लिए मुझे तो पता होना चाहिए ना कि मकर संक्रांति कहाँ मना रहे, कैसे मना रहे, बताइए। तुम लोगों को ये जानना है ना सरप्राइज क्या है, कल पक्का पता चल जाएगा। ये चीटिंग है अंकल। अरे चीटिंग क्या बेटा, तुम लोगों को सरप्राइज शब्द का मतलब पता है ना? पता है लेकिन फिर भी बताइए ना। अरे बेटा लोग, तुम लोग चिंता मत करो, इस बार की मकर संक्रांति ऐसी धमाकेदार होगी, ऐसी धमाकेदार होगी कि तुम सब खुशम खुश हो जाओगे। ठीक है पापा, अगर आप कह रहे तो मान ही लेते हैं। कुछ भी अंकल, लेकिन हमारी मकर संक्रांति रॉकिंग होनी चाहिए। अरे बेटा रॉकिंग क्या, रॉकिंग स्टॉकिंग होगी। चलो चलो अभी घर पे चलो, वो मेरे दोस्त है ना महेश भाई वकील, वो सूरत से आए हम सब के लिए पतंग और मांझा लेके। एकदम सही कहा आपने महेश भाई। अरे महेश भाई कैसे हो, कैसे हो? देखो तुम्हारे घर में तुम्हारा ही स्वागत है। कैसे
महेश अंकल। अरे टप्पू बेटा कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। ठीक है ना? हेलो। अरे कैसे हो बच्चों? ऑल गुड। बैठिए 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 महेश भाई, बैठिए बैठिए। महेश भाई बहुत अच्छा लगा आप आए हैं। अरे आप सबको एक साथ मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अंकल हमें भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाँ। अरे टप्पू सेना, तुम सबके लिए मैं सूरत से स्पेशल माजा और पतंग लेकर आया हूँ। मजा आ गया। अच्छा बच्चा आप लोगों को पता है कि नहीं, तो सूरत का मांजा सबसे बेस्ट मांजा होता है। अरे भाई मैं ये तो नहीं बोल सकता कि सूरत का माजा ही बेस्ट है, लेकिन हाँ इतना कह सकता हूँ कि इससे अच्छा माजा आपको कहीं नहीं मिलेगा। अरे हाँ मैंने तो यहाँ तक सुना है कि सूरत को डायमंड सिटी बोलते हैं ना, इसलिए वहाँ पर डायमंड का चूरा लगा के मांजे को पक्का करते हैं। ये सच है? देखो ये सूरत के मांजे का सीक्रेट है, मुंबई वाले को मैं ये नहीं बता सकता, और अगर बता दिया तो मुझे सूरत से मांजा लाने का मौका कैसे मिलेगा। और अंकल मैंने सूरत के पतंग और मांजे के साथ साथ सूरत के खाने की भी बहुत तारीफ सुनी है। लोचा, खमणी, खमण, गाड़ी, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। अरे चिंता मत करो बेटा, इसका भी इंतजाम है। मैं सूरत से पतंग और मांजे के साथ सूरत की चटाकेदार वानगियां भी लेके आया हूँ। अरे वाह वाह। और बच्चों वो सब मैंने किचन में रखी है। जाओ बच्चों जाओ लेकर आओ। हाँ लेकर आओ लेकर आओ। अरे अरे गोली गोली रुक जा। ओह महेश भाई बहुत कुछ लेके आए आप तो। खाओ खाओ। और बच्चों ये है सूरत की सब फेमस वानगियां। हम सूरत के लोगों को सूरती लाला ऐसे ही नहीं बोलते, हम खाने पीने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उस हिसाब से तो महेश भाई हम सब गोकुलधाम वासी भी लाला ही है, पर सबसे बड़ा लाला ये हमारा गोली लाला है। अरे जेठा अंकल ये गोली लाला के चेहरे से लाली कम हो जाए उसके पहले खाना खा लेते हैं ना। एक मिनट बेटा खाते हैं, पहले मैं जरा ये सब वानगियों के बारे में बता दूं तो क्या खाने का और मजा आएगा। अभी बच्चों ये देखो ये जो है ना वो है लोचा। अभी आप लोग कहेंगे लोचा ऐसा कैसा नाम, तो उसके पीछे छोटी सी कहानी है। बहुत साल पहले कोई खमण बना रहा था तो थोड़ा लोचा हो गया और ऐसा बन गया, इसलिए इसका नाम हो गया लोचा। और ओ ठीक है अब खाए। एक मिनट बेटा खाते खाते दो मिनट दो। और अभी वो जो है ना गोल गोल वो है घारी, ऐसी मिठाई है ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसी मिठाई आप लोगों ने आज तक नहीं खाई होगी। अरे मुंह में रखते ही पिघल जाती है। बस बस जेठा अंकल अब कौन सी डिश का क्या नाम है वो आप मुझे बाद में बताना, अभी मुझसे रहा नहीं जा रहा है। दादाजी शुरू करे। नहीं शुरू कर। अरे अरे बेटा वो सबको देना है तो प्लेट दे देना। वाह अंकल बहुत मजा आ गया। थैंक यू महेश भाई। अरे यार दोस्ती में क्या फॉर्मेलिटी कर रहे हो। सॉरी सॉरी नहीं नहीं करूंगा नहीं करूंगा। चलो चाचा जी मैं चलूं। कहाँ चलूं? सूरत। क्या सूरत? पर अभी तो है सूरत से आप नहीं नहीं आप नहीं जा सकते। आप एक काम करो आज रुकिए कल चले जाना। हाँ नहीं नहीं जेठालाल आज शाम को मुझे सूरत पहुँचना पड़ेगा, मेरी साली के बेटे की बर्थडे पार्टी है, आज मेरा सूरत पहुंचना बहुत जरूरी है। ओ, नहीं, फिर तो पहुंचना पड़ेगा। इसीलिए वरना मैं रुक जाता, ये अपना ही तो घर है। आ, वो भी। चलो बाय। ओके ओके मैं चल। थैंक यू। नहीं थैंक यू नहीं बोलना।
बहुत दिलदार है महेश भाई बाबू जी, कितना कुछ लेके आए सब बच्चों के लिए है। तो वैसे पापा आप तो पतंग और मांझा भी आ गया, आप तो बताइए कि सरप्राइज क्या है। हाँ जी आप तो बता दे भाई। बापू जी टप्पू सेना प्लीज आप लोग मुझे सरप्राइज के बारे में मत पूछिए, मेरी बात मानिए। देखिए आपको कुछ नहीं पता होगा, जब आपकी आंखों के सामने वो सरप्राइज ऐसा खुलेगी ना तो आपको इतनी खुशी होगी, इतनी खुशी होगी आप लोग मुझे सामने से कहेंगे कि अच्छा हुआ भाई सरप्राइज के बारे में बताया नहीं। अब ये सरप्राइज की बात छोड़ो, एक काम करते हम लोग कंपाउंड में जाते और महेश अंकल अभी वो जो पतंग लेकर आए ना अलग अलग टाइप की उसके बारे में तुम सबको सब बताता हूँ और साथ में पतंग उड़ाने की प्रैक्टिस भी करते हैं। अरे टप्पू से नहीं, मैं वो टप्पू सेना को बोल रहा था कि सबको बुला लो, क्या ये पतंग और मांझा है ना तो हम सबको जरा दिखाते हैं उत्तरायण का माहौल बनाते हैं ऐसा। हाँ बुला लो सबको, आराम से आराम से। अरे ये लो ये सब लेडीज तो इधर ही है। आप लोग पतंग और मांझे के साथ अभी से संक्रांत मनाना चालू? अरे नहीं नहीं माधवी बाबू, मकर संक्रांत तक कल धमाकेदार तरीके से मनाएंगे, अभी तो जरा माहौल बना रहे। अरे बबीता जी कहाँ? बबीता जी तो 5 मिनट पहले ही सब्जी लेके घर चली गई जीठा भाई। ओ हाँ तो ठीक है ना, मैं बबीता आंटी को बुला के आता हूँ। अरे गोली बेटा मैं क्या कहता हूँ, तू अपने पापा को और भिड़े अंकल को बुला ले, बबीता जी को मैं बुला लेता हूँ। ठीक है ना अंकल, पहले मैं बबीता आंटी को बुला लेता हूँ, बाद में पापा और भिड़े अंकल को बुला लूंगा, इट्स ओके। अरे उसमें टाइम जाएगा बेटा। हाँ क्या तू पापा को और भिड़े अंकल को बुला ले, उसके दर में मैं बबीता जी को बुला लेता हूँ, तो दोनों साथ में आ जाएंगे ना, है ना? हाँ ठीक है ना, ठीक तुम घर पे ही हो? प्रेस नहीं गए आज? नहीं वो आज थोड़ा लेट जाना है। ठीक है नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ। क्यों? अच्छा मत आओ छोड़ो बबीता जी। अरे लेकिन मुझे बताओ तो सही मैं नीचे क्यों आऊं? अरे जेठा जी आप तू कहां से इतनी जल्दी आ गया? हाँ जेठालाल तुम आज दुकान से जल्दी क्यों आ गए? बबीता जी मैं दुकान से जल्दी क्यों आ गया बताता हूँ, आप नीचे आइए जल्दी। नीचे क्यों? अरे वो क्या है मैंने वो मेरा दोस्त है ना महेश भाई वकील जो सूरत में रहता है, उनसे हम सबके लिए पतंग मांझा सब मंगाया था, वो आ गया, मैं सबको दिखाने के लिए बुला रहा हूँ। अच्छा नीचे आइए। ओ लेडी ठीक है मैं अभी आती हूँ। आइए आइए आइए। ओ जेठालाल मैंने पूछा कि नीचे क्यों आना तो तुमने मुझे नहीं बताया, पर बबीता जी ने पूछा था एकदम फटक से बता दिया। बबीता जी लेडीज है भाई, कोई भी लेडीज कभी भी कुछ भी पूछे तो हमें सब कुछ बराबर बताना पड़ता है। तू नहीं समझेगा भाई, तेरी एक बार शादी होगी ना उसके बाद सब समझ में आ जाएगा, तू नीचे आना भाई। हाँ आया आया। क्या जेठा अंकल मैं पापा और भिड़े अंकल को बुलाकर लेकर भी आ गया और आप अभी तक बबीता आंटी को बुला ही रहे हो, इसमें क्या टाइम बचा? वो पोपट अंकल टाइम पास कर रहे थे बेटा। पोपट अंकल घर पे? हाँ वो सवाल पर सवाल पूछ रहे थे, बाकी बबीता जी ये देखो आगे। चलिए आइए बबीता जी आइए चलिए 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 आगे 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 मैं भी आ गया। चलो 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 चलो। अरे चलना बेटा। तो दोस्तों गोकुल धाम में पतंग और मांझे आ चुके हैं, गोकुल धाम निवासी पतंग उड़ाने के लिए मचल रहे हैं, बैंड बाजा और बारात सब तैयार हैं, लेकिन ये पता ही नहीं कि बारात को जाना कहाँ है, यानी कि जेठालाल का जो सरप्राइज है उसका सस्पेंस अभी तक बरकरार है। अब क्या होगा आगे ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और मित्रों यहाँ गोकुल धाम में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है कि जेठालाल का सरप्राइज आखिर क्या है, कहाँ जाएंगे हम लोग मकर संक्रांति मनाने के लिए, कहाँ उड़ाएंगे पतंग हम, ये तमाम सवाल उनके जवाब मिलेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.